गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको दीपावली के बारे में बता रहा हूँ कि कल हमने और पिछले समय में भी दीपावली के बारे में अपन ने पढ़ा था और समझा था। आज मैं आपको उनके जो आंसर है उनके बारे में आपको मैं समझा रहा हूँ कि किस प्रकार इनके उत्तर हम दे सकते हैं। अब देखिए, ये सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया दीपावली अंधकार पर विजय का प्रतीक है। दीपावली अंधकार पर विजय का प्रतीक है, ये सही है या गलत? तो इसमें विजय का प्रतीक है क्योंकि भगवान राम रावण को मार करके आए थे, इसलिए ये वाक्य बिल्कुल सही है ना। अंधकार से अभिप्राय असत्य है, अंधकार से अभिप्राय असत्य है, ये बिल्कुल सही है ना। तो इस पर भी हम राइट लगा देंगे। फिर इसके बाद में लोगों को पवित्र पर्व पर निंदनीय कार्य करने चाहिए, निंदनीय कार्य करने चाहिए, इसका आंसर होगा, इसका आंसर लोगों को पवित्र पर्व निंदनीय कार्य करना चाहिए। यह मैंने लिखा है निंदनीय कार्य, यहां से निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए। तो यह वाक्य कैसा है? बिल्कुल सही है, यानी पूरे कार्य नहीं करने चाहिए, है ना। तो इस प्रकार हम तीनों के आंसर दे सकते हैं। दीपावली पर अंधकार पर विजय का प्रतीक है, यह बिल्कुल सही है। अंधकार से अभिप्राय असत्य है, ये सही है। लोगों को पवित्र पर्व पर निंदनीय कार्य नहीं करने चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। अब इसी तरह एक प्रश्न और है, वो है दीपावली इसको आपको जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से उत्तर आपको देना है। दीपावली एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये किनका है? हिंदुओं का त्यौहार है, मुस्लिमों का त्यौहार है या ईसाइयों का त्यौहार है? तो ये दीपावली पर्व हिंदुओं का त्यौहार है, जिस पर हम राइट लगा देंगे। इसी तरह इस अवसर पर बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। किस अवसर पर? दीपावली पर, धनतेरस पर या भाई दूज पर? तो दीपावली 5 दिन की मनाई जाती है, इसमें धनतेरस पहला जो दिन आता है, तो इसमें हम धनतेरस पे राइट लगा देंगे। तो धनतेरस पर इसका हम इस अवसर पर बर्तन जो खरीदते हैं वो शुभ माना जाता है। एक और अगला प्रश्न है, लक्ष्मी देवी को कहा जाता है विद्या की देवी, धन की देवी या त्योहारों की देवी? इस पर तीनों में से आपको छांटना है। विद्या की देवी तो सरस्वती होती है ना, धन की देवी, ये धन की देवी लक्ष्मी, धन की देवी कहलाती है। तो लक्ष्मी देवी को धन की देवी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन धन की देवी आएगा, त्योहारों की देवी इसमें नहीं आएगा, इसमें धन की देवी लक्ष्मी जी को कहा जाता है। तो इस प्रकार ये हम इन प्रश्नों के उत्तर समझ सकते हैं।